भिवंडी के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 तारीख के बाद ही पता चलेगा कौन कौन है मैदान। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। 1 मई बुधवार के दिन भिवंडी लोकसभा के महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाल्या मामा उर्फ सुरेश महात्रे, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मुद्दा जो है, पहली खबर हमने आपको जो बताई वो एक मुद्दा तो था ही कि भाजपा उम्मीदवार कपिल पाटिल द्वारा एक समाज सेवी अरविंद महात्रे को बलात्कार के झूठे केस में फंसा। अब उसके अलावा चुनाव के विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी दी और सवालों के जवाब भी। उम्मीदवारों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि मैदान में कौन कौन है। तो देखिए क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश महात्रे और बाल्या मामा। देखो पहले तो आज 1 मई महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन है और इस दिवस के माध्यम से सभी हमारे कामगार भाई बहने, तमाम महाराष्ट्रवासियों को मैं महाराष्ट्र दिन की बधाई देता हूँ। और ये महाराष्ट्र के निर्माण में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे सभी हुतात्मातों को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और दूसरा, आज यहाँ जो भी पत्रकार परिषद है, आप सभी पत्रकार भाई बहने यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को भी महाराष्ट्र दिन की बधाई देता हूँ, आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। कल 2 मई महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से मुझे उम्मीदवारी दी गई है और कल मैं पर्ची भरने वाला हूँ। कल 11 बजे से लेके 2 बजे तक छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू से लेके प्रांत ऑफिस तक हमारी एक रैली है और फिर हम लोग ये पर्ची भरने वाले हैं। और इसके माध्यम से और भी 2-3 सब्जेक्ट जो अभी अभी हुए हैं उनके लिए ये पत्रकार परिषद ली है और इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो अभी सभी पार्टी के नेता होंगे, प्रमुख नेता होंगे, इस जिला के सभी नेता होंगे। अभी भी मेरे को 3 बजे के बाद में मैसेज आएगा प्रदेश कार्यालय से कि कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे, पर इतना जरूर है कि हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट के सभी नेता, प्रदेश के नेता जो प्रमुख नेता है वो इसमें पर्ची भरने के लिए आने वाले हैं। मामा आपके बाजू में आज जो महिलाएं बैठी हैं कार्यालय, क्या पूरा मामला क्या है? देखो 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ के एक सोशल वर्कर है अरविंद महात्रे करके, और उन्होंने उनके सोशल के माध्यम से जो जो खासदार कपिल पाटिल उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उनके लड़के ने जो किया है, उनके भतीजे ने किया है, उनकी सब की पोल खोल करके उनके खिलाफ कोर्ट में जाके FRI दर्ज किया है। और यही बात ध्यान में रख के, इसी बात पे गुस्सा करके कपिल पाटिल और उनके सहयोगी ने एक हमारी बहन को ये केस दर्ज करने के लिए महात्मा फुले नगर में भेजा और एक केस दाखिल 376 का एक केस दाखिल हुआ है। अपने को तो बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है, पर इन लोग को दाखिल करते वक्त भी शर्म नहीं आ रहे, इतने बेशर्म ये हुए हैं। और ये पहला नहीं है, ऐसे कितने केसेस कपिल पाटिल ने किए हैं, बोगस फिरियादी, बोगस विटनेस हाजिर करना, क्योंकि देखो हमारे पुलिस भाइयों की भी मजबूरी है, जब कोई गुनाह दाखिल करने को जाता है तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि
कि वो FIR दाखिल करना। बाद में उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें जो भी सच का सच हो जाएगा। पर अभी जो गुनाह दाखिल किया है ये पूरा गलत तरीके से, जिसमें 6 महीना पहले का कुछ दिखाया है, जो तारीख दिखाई वो 4 तारीख को अरविंद मात्रे भिवंडी कोर्ट में थे, जो 5 तारीख दिखाई है उसमें वो IGM हॉस्पिटल में थे। तो मतलब वो जो गुना दाखिल हुआ है उसकी पोल खोल होने वाली है। फिलहाल ये जो गुना दाखिल किया है इसका निषेध करने के लिए हम सब लोग, हमारी बहनें अरविंद मात्रे के मिसेज भी है, ये सब यहाँ पे उपस्थित है, वो भी उनकी स्टेटमेंट देने वाली ही है। क्योंकि ये बात का निषेध अपन जितना करें उतना कम है। मैं कपिल पाटिल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हो, आप 10 साल खासदार थे, 3 साल मंत्री थे, तो आपने जो जो एज ए खासदार करके काम किए हैं, जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट सामने लाओ, वो बेसिस पे आप निवडणूक लड़ो। किसी जाति धर्म के बेस पे, किसी नेताओं के बेस पे इलेक्शन मत लड़ो। और ये जो घिनौनी हरकत कर रही है, नीच हरकत कर रही है, ये हरकत करने की कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, ये तो नामर्दानगी है। क्योंकि ये कोई भी कर सकता है, कल जाके इस लोकसभा क्षेत्र से कोई भी आदमी, कोई भी माँ बहन उठ के ऐसा गुनाह दाखिल कर सकते हैं। ये दाखिल करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये कोई बड़ी मर्दानगी का काम नहीं है, ये नामर्दानगी है। तो ऐसी नीच हरकत नहीं करे। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आप देख रहे हैं सभी लोगों का जो गुस्सा, जो रोष उनके खिलाफ हो रहा है, अगली हरकत का पूरे करारा जवाब सब जनता दे देगी, उसमें हम नेताओं की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए इलेक्शन के हिसाब से लड़ो, काम के हिसाब से लड़ो, डेवलपमेंट के हिसाब से लड़ो, विजन के हिसाब से लड़ो, ये मैं उनको आह्वान करता हूँ और ये केस के माध्यम से उनका निषेध करता हूँ। बोल रहा हूँ मैं अभी जो इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, हो सकता है मैं पहला कैंडिडेट रहेगा जिसकी एक भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की खुद की एक डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट बना के मैं ये इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, जिसमें पूरे मुद्दे हैं। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में चाहे वो टोरंटो का मुद्दा रहे, चाहे वो सभी क्षेत्र में हॉस्पिटल का मुद्दा रहे, शिक्षा का मुद्दा रहे, या जो भी हमें हमारे युवाओं का रोजगार का मुद्दा है, ये सभी बेसिस पे ये इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं। और एक क्षेत्र में ये जो सब काम है, जो सब चुनौतियाँ है, ये काम हम कैसे करेंगे, चुनौतियाँ हम कैसे पार करेंगे, इसका भी ब्लूप्रिंट में जवाब है। जैसे कि IGM हॉस्पिटल है, तो IGM हॉस्पिटल को हम डेवलप करके एक जिला रुग्णालय बनाएंगे। टोरंटो का है, 2027 लास्ट टोरंटो की मुहलत है, उसके बाद टोरंटो आपको दिखाई नहीं देगी, ये एकदम ठाम बात मैं आपके सामने करता हूँ। क्योंकि ये सभी भिवंडी की जनता रास्ते पे उतरेगी, सरकार का टोरंटो कंपनी का जाहिर निषेध करेगी और ये टोरंटो को हद पार करेगी। जहाँ आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं, शाहपुर, मुरबाड़, भिवंडी ग्रामीण, सभी क्षेत्र में आज बड़े पैमाने पर टैंकर लाए जा रहे हैं। ये सब पानी का जो सही तरह से प्लानिंग करना चाहिए था वो नहीं हुआ करके इतना साल से टैंकर चालू है, बहुत बड़ा मसला है। तो ये सब मसले हल करेंगे, प्लानिंग करके हल करेंगे, ये बात लेके हम आपके सामने ये इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। शिक्षा को लेके क्या, शिक्षा को लेके देखो अभी आपने देख रहे हैं, एक मिनट, अल्पसंख्यक समाज बड़ी तादाद में आपके साथ है और आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखो अल्पसंख्यक की जो भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखो सभी का एक ही मसला है, भिवंडी बोले वो तो टोरंटो, IGM हॉस्पिटल और शिक्षा आप देख रहे हो। हमारे
यहाँ का मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, हमारे यहाँ मिडिल क्लास ज़्यादा लोग हैं। वो मिडिल क्लास रहने के कारण उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आईजीएम या कोई गवर्नमेंट रुग्णालय, उनको शिक्षा लेनी पड़ती है जिला परिषद या महानगर पालिका के स्कूल। और आज आपने देखा है ये गवर्नमेंट ने 60,000 के ऊपर स्कूल जो थे गवर्नमेंट के वो बंद कर रहे हैं। अगर ऐसे स्कूल बंद करेंगे कल हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो शिक्षा लेनी है आप देख रहे हैं इतनी महंगाई हुई है, और जो प्राइवेट स्कूल है वो उनके मनमर्जी से जो भी है वो डोनेशन ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप देख रहे हैं भिवंडी में भी हमारे मुस्लिम बांधव या अपनी आने वाली पीढ़ी जो है, देखो जब आने वाली पीढ़ी के लिए सही तरह से शिक्षा मिलेगी, उनका सही तरह से आरोग्य रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही आगे जाके ये जो अपना फ्यूचर है, जो आने वाली पीढ़ी है, ये अच्छी बन सकती है और इस देश का डेवलपमेंट हो सकता है। मामा नीलेश सांबरे, जिस तरह से आपने कहा था कि नीलेश सांबरे जो है पलटा दाखिल नहीं करेंगे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि उन्हें बना लिया जाएगा, वो आपके समर्थन में उतरेंगे? नहीं देखो, अभी नामांकन दाखिल, अभी पर्चा दाखिल नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं मैं बोला था, पर मुझे पूरी उम्मीद है और उन्होंने उनके मुँह से ही कहा है कि हम दोस्त हैं, हम आपस में डिसीजन ले लेंगे। और आपको तो मालूम है उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है और मैं महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन से फॉर्म भर रहा हूँ। तो देखो अभी आपने देखा है इंडिया आघाड़ी गठबंधन से उम्मीदवार करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, इस पार्टी को ये दी गई है उम्मीदवारी और मुझे दी गई है, और वो भी इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं के उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। तो ये सरासर जो आप बोल रहे, हो सकता है वो गलती से बोले होंगे कि मैंने कांग्रेस से फॉर्म भरा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन से मैं अकेला कैंडिडेट हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इंडिपेंडेंट, तो आपको भी मालूम है भिवंडी लोकसभा से कोई भी जीत नहीं सकते। हो गए लड़ाई है, किस तरह से इसको पाता है? देखो ये लड़ाई अभी 2 की है 3 की है 4 की है, ये तो हम लोग 6 तारीख को शाम को ही समझेगा हमको, क्योंकि कौन अभी लड़ रहा है, कौन पर्ची वापस ले गए अभी नहीं बोल सकते।